head. पूरा रोटी भी बन गई है। तो यहाँ आज भी बादल लगा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम है और कल हुई है बहुत बारिश, जिस वजह से अभी घर में कोई सब्जी नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज बेसन की सब्जी बनाने। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोग भी ब्लॉग में बने रहें। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, देखिए लाइट भी कटी हुई है। तो चलते हैं बेसन की सब्जी बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बेसन ली हूँ, और ये बेसन है मार्केट का, आप चाहे तो घर पे भी बेसन को पीस सकते हैं। और मैं इसमें मिला रही हूँ बेसन में हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मिर्ची पाउडर और नमक, जीरा पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले। सारे चीज को इसमें अच्छी तरह से मिला ली हूँ, और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ पानी। तो इसका मैं घोल बना रही हूँ, और घोल ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। देखिए ये पतला है। तो चलते हैं, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सरसों का तेल, और अच्छी तरह से कढ़ाई में मिला दे रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी हींग, मैं मिला रही हूँ। अब जो मैं घोल तैयार की हूँ इसको डाल दे रही हूँ इसमें। तो यहाँ तेज आंच पे ही मैं चला रही हूँ, क्योंकि धीमी आंच पे ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए घोल अब गाढ़ा हो गया है, और कंटिन्यू चलाते रहना है। तो अब यहाँ पे हमारा घोल हो गया है, साइड साइड से छोड़ने भी लगा है। देखिए मैं घी लगाकर ले ली हूँ, तो इसी में अब इसको मैं निकाल दे रही हूँ। ऐसे भर के और इसको बराबर कर देंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे।
मसाले की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गई है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, तेल का, और डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा, तेजपत्ता, और जीरा और तेजपत्ता यहाँ पे हो गया है। तो मैं डाल रही हूँ ये है अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, तो इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मसाले में है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, काली मिर्च का पाउडर और मिर्ची पाउडर। मिला रही हूँ नमक, तो नमक ज़्यादा मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि बेसन के घोल में भी कुछ नमक मैं मिलाई थी। तो यहाँ पे मसाला भुन गया है, तो मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी पानी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी पानी डालकर पहले मसाले को पका लूंगी, उसके बाद और पानी डालूंगी। तो यहाँ अच्छी तरह से मसाला उबल गया है और मैं इसमें मिला रही हूँ गरम मसाला। अब जितना जरूरत है उतना इसमें मैं पानी मिला ले रही हूँ। तो मसाला का उबलने में 5 मिनट टाइम लगेगा, तब तक चलते हैं देखते हैं बेसन को। तो ये रही बेसन वाली घोल जिसे मैं थाली में रखी हूँ, तो अब इसको देखते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल रोटी की तरह बन गई है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा सा घोल बचा हुआ है, तो उसको मैं दूसरी थाली में डाल दे रही हूँ। आप यहाँ पे घी के जगह पे तेल भी अपने थाली में लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इस थाली में भी बेसन को अच्छी तरह से बराबर कर ले रही हूँ, और अगर आप चाहें तो यहाँ हाथ में पानी लगाकर भी हाथ से भी बराबर कर सकते हैं। कतली के शेप में काटी हूँ, आप चाहें तो इसे कोई दूसरा शेप में भी काट सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे को काट लूँगी, इस शेप में भी काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये शेप बनकर तैयार हो गया है। ये ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में टेस्टी लगता है, या हल्का फ्राई भी इसको करके खा सकते हैं। और यहाँ ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से उबल गई है, तो मैं एक एक करके इसमें डाल दे रहे हैं इसको। और डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं उबालना है क्योंकि ये पहले से बेसन पका हुआ है, और नहीं तो ज़्यादा देर उबालेंगे तो पूरी सब्जी मिल जाएगी। तो मैं इसको बस 5 मिनट उबालूंगी और उतार दूंगी। तो अब यहाँ पे सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और चलते हैं रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए तो
तो यहाँ पे निकाल दे रहे हैं पप्पा के लिए खाना। दोस्तों तो ये बेसन की सब्जी बनाने में बहुत ही सिंपल है और घर में जो मसाला उपलब्ध होते हैं उसी में ये सब्जी बन जाते हैं। तो यहाँ पे खाना बन गया है, चलते हैं अब। अब पूरा रोटी भी बन गई है और यहाँ बन रही है अब चाय। सब्जी ठंडा होने के बाद कैसा दिख रहा है? तो ये रहा हमारा बेसन का सब्जी, देखिए। और ये कोई टूटा भी नहीं है, जैसा रखी थी वैसा ही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलते हैं अब चाय पीने के लिए। तो यहाँ मैं कुछ बेसन के पीसेज को बचा ली थी कि हल्का फ्राई करके खाया जाएगा, तो अब इसको हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ एक पैन चढ़ा दी हूँ और उसमें थोड़ी सी सरसों का तेल डाल दी हूँ और अब ये मैं डाल दी। तो यहाँ पे मैं हल्का तेल में इसको फ्राई कर ली हूँ। होने के बाद कितना क्रिस्पी लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ये। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का काम अब हो गया है ख़त्म और मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ किचन काउंटर की, क्योंकि रोटी बनाते टाइम सूखा आटा फैल जाता है इधर उधर। और इसके बाद जो ब्रेकफास्ट बनाने में बर्तन हुआ है सारे को मैं साफ़ कर लूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो गया है और देखिए वहाँ से मेरी कपिला देख रही है। और आज बारिश का मौसम है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आज भी बादल लगाए हुए हैं, देखिए कभी भी बारिश हो सकती है। तो यहीं पे मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।